ब्रॉडकास्ट तो स्वागत आप सभी का यहाँ पे एक बार फिर से बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। सो अनदर गुड अपडेट यहाँ पे फाइनली रिलीज हो चुकी है फ्रॉम द DFS। सो यहाँ पे जो अप्रूवल्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वो फटाफट यहाँ पे दोस्तों दे रही है। सो उसी को यहाँ पे डिस्कस करूँगा अमंग ऑल ऑफ यू। सो होपफुली इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं विद द ऑफिशियल जो अभी अपडेट जस्ट नाउ इट इज रिलीज, तो अभी रिलीज हुआ है एंड वी गोना सी दैट एग्जैक्टली। सो उससे पहले प्लीज लाइक दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। सो यहाँ पे लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को तुरंत अभी। सो DFS मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अप्रूवल फाइनली केम एंड इसी के रिगार्डिंग मुझे काफ़ी यू नो इन द ग्रुप वी वर डिस्कसिंग दिस एंड फाइनली द अप्रूवल गॉट इन दिस मैटर। सो काइंडली शेयर द अपडेट एंड सब्सक्राइब टू चैनल फॉर फ्री। सो स्टार्ट करते हैं विद द ऑफिशियल नोटिफिकेशन दैट वी हैव हेयर डेटेड 14 सितंबर। तो फाइनली यहाँ पे नोटिफिकेशन आप ऑन द स्क्रीन देख सकते हैं। तो इसी की डिस्कशन सिंस मॉर्निंग वी वर हैविंग एंड फाइनली इट गॉट अप्रूव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू ऑल द चेयरमैन एंड ऑफ ऑल RRBs, रीजनल रूरल बैंक्स दैट इज सब्जेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्पैशनेट अपॉइंटमेंट स्कीम्स इन RRBs। तो फाइनली ये रिलीज हो चुकी है। सो इसी के रिगार्डिंग आई रिमेंबर सो मैनी यू नो क्वेरीज। सो फाइनली यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुकी है एंड आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू नंबर लेटर नंबर दिस डेटेड 1st 9 जनवरी 2019 ऑन द अबव सब्जेक्ट एंड कन्वीइंग अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिवाइज मॉडल स्कीम फॉर अपॉइंटमेंट ऑन कॉम्पैशनेट ग्राउंड इन RRBs एज पर द स्कीम इन पब्लिक सेक्टर बैंक। सो पब्लिक सेक्टर बैंक में ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है वाइल लेटर डेटेड 11th August 2014। सो स्कीम वॉज मेड इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑन विच बोर्ड ऑफ इंडिविजुअल्स RRBs अडॉप्टेड द सेम। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सो इन टर्म्स ऑफ पैराग्राफ 8.1 एंड 8.2 ऑफ द सेट स्कीम एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्कीम फ्रॉम एलिजिबल डिपेंडेंट शुड नॉर्मली बी कंसीडर्ड अप टू 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ और रिटायरमेंट ऑन मेडिकल ग्राउंड्स एंड डिसीजंस टू बी टेकन ऑन मेरिट इन ईच केस। सो हाउएवर बैंक कैन कंसीडर रिक्वेस्ट फॉर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट इवन व्हेन द डेथ और रिटायरमेंट on medical grounds of employees took place long back even 5 years ago. So even 5 years ago, so ye important hai. So in some RRBs appointment on compassionate ground under the scheme was not allowed where the employees had expired prior to RRBs adopting the scheme, so resulting in litigation in courts of law. So while disposing the petition, the honorable courts have said that paragraph 8.2 of the scheme as a retrospective effect and appointments on compassionate ground can be considered if the death of employee had occurred within the span of 5 years preceding the adoption of the scheme. So appeals SLPs filed against such orders have been dismissed. So keeping in view, RRBs are advised to consider the eligible applicants for appointment on compassionate ground in terms of paragraph 8.2 of the scheme. So in case the death of the employees had occurred within 5 years preceding the adoption of the scheme. So यहाँ पे आप देख सकते हैं in case the death of the employee had occurred within the 5 years preceding the adoption of scheme subject to the other conditions laid down in the said scheme. So यहाँ पे दोस्तों you can see here this is a quite good important update. Finally the notification अब रिलीज हो चुका है from the DFS Ministry of Finance. सो फ्रेंड्स प्लीज शेयर दिस अपडेट फॉर द लेटेस्ट बैंकिंग एंड पेंशन रिलेटेड अपडेट्स के लिए यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों एंड दैट्स इट फॉर दिस सेशन। बाय बाय, प्लीज टेक केयर ऑल फ्रेंड्स।